नमस्कार, मैं योगेश राणा। बात केदारनाथ उपचुनाव पर ही करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक बात पर ध्यान दीजिए। राजनीतिक दल नैरेटिव से चलते हैं, जो बात पार्टी की राजनीति को साधने का काम करती है। नेता ऊपर से नीचे तक पूरे के पूरे राजनीतिक दल में वही बात बोलते हैं। जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच से बोला बटेंगे तो कटेंगे, उसके बाद जो पब्लिक की प्रतिक्रिया आई उससे बीजेपी में यह समझ आ गया यह लाइन तो कमाल की लाइन है मौजूदा राजनीति को देखते हुए। यही वजह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मंच से इस बात को कहा। अब आते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की एक बात पर, जिस पर वो आजकल मंच से बहुत अधिक बोल रहे हैं। वो है थूक जिहाद। थूक जिहाद पर आजकल वो बहुत बोल रहे हैं। धामी सरकार ने इसके खिलाफ बड़े सख्त नियम बना दिए। ध्यान में देने वाली बात यह है, धामी के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है थूक जिहाद के खिलाफ कानून बनाया जाएगा। बीजेपी में योगी आदित्यनाथ की राजनीति को फॉलो किया जाता है। बीजेपी का एक बड़ा वर्ग है जो योगी आदित्यनाथ की राजनीति को, उनके राजनीतिक तौर तरीके को फॉलो करता है। अब अगर योगी आदित्यनाथ धामी की राजनीति को फॉलो कर रहे हैं किसी मामले में, तो यह समझना चाहिए कि यह जो मामला है यह सचमुच ही बीजेपी की राजनीति के लिए बहुत ही गंभीर है। और बीजेपी को यह लग रहा है या बीजेपी के पास इस तरह के इनपुट्स आए हैं, यह मामला समाज में असर रखता है। इसीलिए यह समझना जरूरी हो गया है क्या केदारनाथ उपचुनाव इसी के आसपास रहने वाला है। थूक जिहाद कितना बड़ा मुद्दा बन सकता है, इसको समझने से पहले यह समझना चाहिए आखिरकार केदारनाथ उपचुनाव में सबसे बड़े फैक्टर अभी मौजूदा स्थिति में बन क्या रहे। अगर पहली बात करें तो भू कानून, केदारनाथ घाटी और इसके आसपास के क्षेत्र में इन दिनों यह खूब चर्चा है। राज्य से बाहर के लोगों ने यहाँ पर ज़मीनें खरीदकर कारोबार जमा लिए, जबकि यहाँ के लोकल लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है और ज़मीनें भी जा रही है, यह एक मुद्दा बन रहा है। नंबर दो पर देखें तो वैसे तो इस वक्त चारधाम यात्रा जोरों पर चल रही है, लेकिन इस बार चारधाम यात्रा को लेकर खासकर शुरुआत के दिनों में कुछ अव्यवस्थाएँ देखने को मिली। मैं भी उस वक्त यात्रा पर गया था, इससे यात्रा की गति बिगड़ गई। बाद में आपदा ने हाल बेहाल कर दिया, खासकर केदार घाटी में। इसीलिए सवाल यह है क्या चारधाम यात्रा में रही अव्यवस्थाएं और आपदा इस चुनाव में मुद्दा बन रही है। और अगर नंबर तीन पर आए तो दिल्ली के बुराड़ी में केदारनाथ मंदिर के निर्माण का मामला, जिसके भूमि पूजन में मुख्यमंत्री धामी शामिल हुए और जब यह लगा कि इससे तो बड़ी राजनीतिक हानि हो सकती है, वो बहुत ही अधिक एक्टिव हुए और दिल्ली के बुराड़ी में मंदिर निर्माण को बंद ही करवा दिया। कर्ण मेहरा ने इस पर पैदल यात्रा तक निकाल दी, यानी कि यह राजनीतिक मुद्दा बन रहा है। कांग्रेस को लग रहा है यह कुछ लाभ पहुंचा सकता है, इसीलिए तो कर्ण मेहरा 300 किलोमीटर की पैदल यात्रा निकाल गए। इसीलिए सवाल यह है कि यह कितना बड़ा मुद्दा बन सकता है। और अगर नंबर चार पर आए तो लव जिहाद और थूक जिहाद। उत्तराखंड के पर्वतीय हिस्सों में पिछले कितने ही दिनों से कई ग्राम पंचायतें और ग्राम सभाओं ने अपने यहाँ पर बाहरी लोगों की एंट्री पर रोक लगाई, कुछ बोर्ड लगाए। कई जगहों पर जमीन की बिक्री बंद करने के लिए भी बोर्ड लगाए गए। इस पर खूब बवाल हुआ, नेशनल मीडिया तक में खबरें चली। महिलाओं के खिलाफ कई सारी अपराध की घटनाएं भी सामने आई पर्वतीय जिलों में। बार बार ये चर्चा हो रही है उत्तराखंड की सीमा पर उत्तर प्रदेश और अन्य प्रदेशों से जो लोग हैं उत्तराखंड की सीमा के पार से बहुत अधिक तादाद में उत्तराखंड में आ रहे हैं। इनमें कुछ लोग कानून की परवाह नहीं करने वाले भी आ रहे हैं। ये लोग उत्तराखंड में आकर कानून व्यवस्था को चिंता में डाल रहे, महिलाओं के खिलाफ अपराध कर रहे हैं। इसी के साथ थूक जिहाद को लेकर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बहुत ही कड़े निर्देश जारी करते हुए कहा खाने में थूकने वालों पर जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। यह जो मसला है थूक जिहाद का, अगर इस वक्त देखें तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में समाज में बड़ा चर्चा का विषय है और चिंता का विषय भी बना हुआ है। खाद्य पदार्थों में थूकने या फिर गंदगी करने पर 1,00,000 जुर्माने का जो प्रावधान है उत्तराखंड में कर दिया गया है। यह मुद्दा बार बार हिंदू और मुसलमान भी हो जाता है, क्योंकि हिंदू संगठनों का कहना है इस तरह के मामलों में अधिक संख्या में मुस्लिम समाज के लोग ही पकड़े जा रहे हैं। इसीलिए सवाल यह उठता है क्या इस तरह के मामले भी केदारनाथ उपचुनाव में कोई बड़ा फैक्टर बन सकते हैं। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि समाज में घटी हर घटना के राजनीतिक मायने होते हैं। अगर मोहित डिमरी मंच से हरीश रावत के हाथ से सम्मान लेने से मना करते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि राजनीति को किनारे रख दिया गया है।
या राजनीति में इसके कोई असर नहीं जाएंगे। राजनीति से दूरी भी राजनीति को प्रभावित करती है। इस घटना के भी बड़े राजनीतिक मायने हैं, इसीलिए समाज की हर घटना राजनीति पर असर रखती है। इसीलिए इस वक्त उत्तराखंड में थूक जिहाद और लव जिहाद जैसे शब्द केदारनाथ उपचुनाव को प्रभावित नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कहा जा सकता। आप एक और बात को याद कीजिए, इसी साल हुए लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने चुनाव के पहले और चुनाव के दौरान भी एक नैरेटिव खड़ा किया। इंडिया गठबंधन के लोगों ने कहा बीजेपी अगर सत्ता में आती है एक बार फिर तो संविधान को बदल देगी, संविधान खतरे में है। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने यह भी कहा, यह बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीजेपी के बहुत से नेता ये कह रहे हैं। बीजेपी के कुछ नेताओं ने ऐसे बयान भी दिए और इंडिया गठबंधन ने यह फैलाना शुरू किया समाज में कि बीजेपी सत्ता में आई तो संविधान खतरे में पड़ जाएगा। वैसे तो संविधान में देश के हर नागरिक के लिए तमाम अधिकार है, तमाम अधिकार संविधान देता है, लेकिन राजनीति के अगर दायरे में देखें तो जैसे ही संविधान में बदलाव की बात आती है, संविधान खतरे की बात आती है, तो ये समाज के एक बड़े वर्ग के द्वारा यह मान लिया जाता है कि बात आरक्षण को खत्म करने की हो रही है, बात आरक्षण की हो रही है। संविधान खतरे में का मतलब आरक्षण खतरे में, इससे जोड़ दिया जाता है। यह नैरेटिव बीजेपी के खिलाफ चला गया। और इसी तरीके से अभी उत्तराखंड में खाने में थूकने की जो दो घटनाएं आई और इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक नया शब्द मंच से बोला, थूक जिहाद, और इस शब्द को झट से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पकड़ लिया और उन्होंने भी कहा कि थूक जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाएंगे। तो इसका मतलब यह समाज में कुछ मैसेज लेकर जा रहा है। जैसा कि मैंने कहा, बीजेपी की राजनीति में बहुत बड़ा वर्ग है जो योगी आदित्यनाथ की राजनीति के तौर तरीकों को फॉलो करता है। बुलडोजर नीति इसका एक उदाहरण है। इसीलिए अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वो कहते हैं कि थूक जिहाद पर वो बात करते हैं धामी की बात करने के बाद, और उत्तर प्रदेश में वो कहते हैं कि यहाँ भी इस पर काम किया जाएगा, तो इसका असर समाज में गहरे तक जा रहा है, ये मान लेना चाहिए। इसीलिए यह मान लीजिए कि थूक जिहाद बीजेपी की राजनीति के लिए एक बड़ा फैक्टर मौजूदा दौर में उत्तराखंड में भी बन चुका है, क्योंकि खाने को भ्रष्ट करने का मतलब कई मायनों में धर्म को भ्रष्ट करना भी माना जाता है। हर कोई कुछ खाता है, अगर वो खा रहे हैं और उसके खाने को आप भ्रष्ट कर रहे हैं तो यानी कि उसको लगता है कि मेरे धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं। इसीलिए मैं ये मानता हूँ कि केदारनाथ उपचुनाव में बहुत से मुद्दे हैं, बेरोजगारी भी एक मुद्दा है जो मैंने पहले अभी गिनाया है, वो भी एक मुद्दे है, लेकिन यह चुनाव केवल दो ही बातों के आसपास रहने वाला है, दो मुद्दों पर ज़्यादा फोकस होने वाला है। वहाँ पर एक थूक जिहाद और लव जिहाद के खिलाफ देहरादून से लेकर जो पर्वतीय हिस्सों तक जो माहौल बन रहा है, जो बार बार कुछ घटनाएं सामने आ रही है, और दूसरा कांग्रेस की आपसी लड़ाई, कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई जितनी दिख रही है यह उससे भी कहीं अधिक बड़ी है। यह लड़ाई अब केवल कांग्रेस के उत्तराखंड के नेताओं तक ही सीमित नहीं रह गई है, यह लड़ाई कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा और प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा तक जाती हुई साफ साफ दिख रही है। इस पर विस्तार से बात किसी अन्य वीडियो में कर लेंगे, लेकिन अभी मैं मानता हूँ केदारनाथ में ऊपर से जो माहौल दिख रहा है वह कुछ भी हो चाहे, लेकिन बीजेपी के पक्ष में मौजूदा समय में तो लग ही रहा है। बाकी बात उम्मीदवारों की घोषणा के बाद समझ में आएगी। नमस्कार, मैं योगेश राणा।